उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित 24वीं वाहिनी पीएस में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान पिछले एक साल से प्रशिक्षण हासिल कर रहे 294 जवानों को शपथ दिलाई गई। पीएस मैदान में पासिंग आउट परेड के आयोजन में कोरोना संक्रमण के चलते सामाजिक दूरी के नियम का पालन किया गया और परेड में शामिल कैडेट द्वारा मास्क पहनकर हिस्सा लिया गया। जवानों को प्रशिक्षण के दौरान उनके विशेष प्रयासों के लिए सम्मानित कर उन्हें प्रमाण पत्र भी दिए गए। इस बार परेड में खास बात रही कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। कमांडेंट 24वीं पीएस अतुल शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर पूरी तरह से नियमों का पालन करते हुए परेड आयोजित की गई। इस दौरान अतुल शर्मा ने इन जवानों को कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना कार्य करने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार यहां पर बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया गया है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। मुरादाबाद में 24 पीएससी का जो 300 रिक्रूट थे हमारे, उनमें जो उत्तीर्ण परीक्षार्थी थे उन सभी का आज पासिंग आउट परेड का डे था। इसमें हमारे डीसी साहब और बाकी जो पदाधिकारी, हमारे क्वार्टर मास्टर और सूबेदार मेजर और रिक्रूट जो प्रभारी हैं हमारे, आरटीसी प्रभारी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और आज परेड का समापन बड़ी सफलतापूर्वक हुआ। कोरोना महामारी के चलते कुछ परेड में कोई बदलाव किया गया था? हाँ, परेड पहले पूरी की पूरी काफ़ी लंबी परेड चलती थी, जिसमें ये लोग परेड के रूप में मंच के सामने से गुजरते थे, सल्यूट करते थे, सब पूरा अभिवादन होता था, लेकिन वो सभी प्रक्रियाओं को इस बार रोका गया और जितनी भी डिग्निटरीज को बुलाया जाता था उन सभी को इस बार लिमिटेड रखा गया ताकि इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। इसलिए गिने चुने लोग ही यहाँ पर आए हैं, अदरवाइज आप लोग अन्य दिनों, अन्य सालों में भी जब परेड में आते रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग और फैमिली क्वार्टर्स के लोग और इनके पेरेंट्स जो हैं वो आते रहते हैं और वो सभी इस परेड का शोभा बढ़ाते हैं और साथ में आनंद भी लेते हैं। ट्रेनिंग के द्वारा कुछ कोरोना महामारी के चलते कुछ बातें इनको बताई गई? हाँ, लगातार चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे जो डीजीपी साहब हैं श्री अवस्थी सर और एडीजी पीएसी सर का जो हमारे निर्देशन रहा है उसके तहत हम लोग लगातार अलग अलग जो आदेश आते हैं उनके क्रम में हम लोग लगातार कोविड के 19 के जो आदेश हैं उनका हम लोग लगातार पालन करते रहे हैं। उन्हीं के तहत लगातार इन लोगों को इनके मेस में और अन्य जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग, चाहे वो परेड हो, चाहे इंडोर हो, चाहे आउटडोर हो, सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, अन्य चीज़ों का प्रयोग के लिए इनको बताया जाता रहा। अब ये शहर पे जाएंगे देश की सेवा करने के लिए, तो आपने आज इनको क्या किया? मैंने इन लोगों को यही बताया है कि जो इन लोगों का जो प्रशिक्षणार्थियों का सबसे इम्पोर्टेंट विषय होता है अनुशासन और समर्पण और कर्तव्य निष्ठा, इनका ये पूरी तरह से पालन करेंगे, देश के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा रखेंगे और समाज के प्रति सेवा भक्ति के साथ कार्य करेंगे। पूरी प्रतियोगिता में कौन अव्वल रहा है? इसमें सर्वांग सर्वोत्तम जो है वो कपिल उड्डा रहे हैं, आउटडोर में शुभम मलिक रहे हैं। ये दो लोग मतलब मेन इम्पोर्टेंट विषय हैं, व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में टॉप किया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.